प्रदेश में कांग्रेस का बम कांग्रेस पर ही फूट गया। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के पाले में जा बैठे। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कांग्रेस के साथ गुजरात के सूरत में हुआ था। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वो बीजेपी ही नहीं बल्कि स्थानीय कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर का शिकार हो रहे थे। रिपोर्ट आप देखिए। इंदौर लोकसभा सीट पर खेला हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अचानक नामांकन वापस लेकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने नामांकन ऐसे समय में वापस लिया जब नाम वापसी का आखिरी दिन था। देखिए कैसे कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन वापस लेकर कांग्रेस के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। यानी साफ है कि इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत तय है। संजय जी, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय बम ने आज भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है और नामांकन वापस लिया है। हमारे अक्षय बम जी ने आज कांग्रेस पार्टी पर जो इतना बड़ा बम गिराया, उस बम से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। मैदान में कोई बचा नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि इंदौर के जितने भी कार्यकर्ता 25 तारीख के आदरणीय सीएम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन करा दी थी, परंतु आज अक्षय भाई का जो बम गिरने से जितने वरिष्ठ नेता उनके ऊपर बम गिर गया और अक्षय भाई आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से आज भारतीय जनता कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। नामांकन वापस लेने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर एक सेल्फी अपलोड की है। सेल्फी के साथ उन्होंने लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। फोटो में विजयवर्गीय और अक्षय कांति कार में बैठकर मुस्कुराते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि अक्षय कांति पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। एक होटल में नाम वापसी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। फॉर्म वापसी के लिए बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ अक्षय को भेजा गया, जबकि विजयवर्गीय खुद बाहर डटे रहे। नाम वापसी के इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा और लिखा, कांग्रेस मुक्त भारत। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। कांग्रेस उम्मीदवारों का भरोसा भी अब उनकी पार्टी में नहीं है। उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मासर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। इधर इस धोखे से कांग्रेस में नाराजगी है। देखिए कैसे इंदौर में कांग्रेस नेता आला कमान को कोसते नजर आए। संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। नामांकन वापसी के बाद बीजेपी में आते ही अक्षय कांति बम के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि इंदौर में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी बनी हुई है। इस धोखे पर कांग्रेसियों में भी नाराजगी है। लिहाजा देखिए कैसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता अब इस बम के फूटने के बाद, यानी कि कांग्रेस के बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद, अब कैसे दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए। आतियाब शेख मेरे सहयोगी इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आतियाब, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा कांग्रेस सोच रही होगी। क्या अंदाजा भी नहीं लग पाया इंदौर के कांग्रेसियों को कि उन्हीं के बीच में उनका शख्स जो उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है, नामांकन कर चुका है, प्रचार कर रहा है, वो ऐन वक्त पर ऐसे गोली दे जाएगा? बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐन वक्त पर गोली देना।
इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि कांग्रेस के लिए इट वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर, तो वही बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इट सीम्स टू बी अ वॉकओवर। जाहिर सी बात है, इस वॉकओवर और जो शॉकर की बात है, कहीं ना कहीं इसका स्पेकुलेशन कहीं सामने नजर नहीं आ रहा था। रोहित, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अक्षय कांति बम वॉज द कैंडिडेट जिसे कि कांग्रेस ने ढूंढ कर खड़ा किया था। कांग्रेस के पास में इस बात की थी कि यहां किसे खड़ा किया जाए। मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ बताऊं तो 1989 से कांग्रेस बीजेपी का गढ़ रही है। इंदौर की ये लोकसभा सीट, 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन। पिछला 2019 का चुनाव शंकर लालवानी जीते थे, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंकर लालवानी कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं आज एक अपडेट और देना चाहूंगा कि इंदौर से टोटल 23 नॉमिनेशन भरे गए थे जिसमें अक्षय कांति बम का भी नॉमिनेशन था। अब जो फिगर रह गया है वो 14 का रह गया। हालांकि चुनाव 13 तारीख को होगा, लेकिन रोहित सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन कंटेस्टेंट था वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पहुंचेंगे और अक्षय कांति बम विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस की जो मुश्किलों की बात की जाती है तो कांग्रेस अब फिलहाल इस तरह की सिचुएशन में नजर आती है कि जिन्हें किसी बात का खबर नहीं था। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिसे कहते हैं यू टर्न ले लेना, वो यू टर्न कहीं ना कहीं आज देखने को मिला। जब कांग्रेस आखिरी था नामांकन वापस करने का, तो आज ये नामांकन वापस हुआ है। चूंकि मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, रोहित, आई जस्ट टेक यू टू सम ऑफ द बीजेपी लीडर्स जो यहां मौजूद हैं और किस तरह की सिचुएशन है। नितिन यहां मेरे साथ में मौजूद है। नितिन, ये कहा जाए एक शॉकर रहा कांग्रेस के लिए और आपके लिए, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वॉकओवर वाली स्थिति नजर आ रही है। ये जादू हो कैसे गया? लोग कह रहे खेला हुआ। देखिए, खेला नहीं हुआ है। अगर कहें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से देश आज उभर के पूरे विश्व में सामने आ रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें भी लग रहा है कि उनके पास कोई एक नेतृत्व और एक नेता की कमी है, जिसको लेकर वो भाजपा में जुड़ रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है जिससे कि भाजपा और शक्तिशाली हो। नितिन जी, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स? कांग्रेस कह रही है कि साहब दबा दिया, कहीं ना कहीं तबेलदारी वाला खेल हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव वो जो उनका घोषणा पत्र है वो भी हमने देखा तो मुस्लिम लीग जैसा ही उनका घोषणा पत्र था। कोई मुद्दा है ना, कोई नेतृत्व है ना कोई नेता है, तो इस तरीके के जो बेबुनियाद इल्जाम है कांग्रेस लगाती रहती है, तो ऐसा कुछ। रोहित, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर आपके मेरे पास में सीनियर बीजेपी लीडर भी मौजूद है। सर, ये कहा जाए कि आखिरी वक्त पे चेंज, आखिरी वक्त पे खेल बदला, ये खेल बदले में ये कह रहे हैं कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ये असल में जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, ये खेला कैसे हो गया? ये खेला नहीं हो गया। आदमी में जिसे बोले विवेक देर से जागृत हुआ है, मुझे जो जानकारी मिली कि ये जैन संतों के पास गए थे जी शुरुआत में जी, तब उन्होंने कहा था कि ये गोकच्छी वालों के साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हो, छोड़ो। आतियाब, एक सवाल मेरा ये है, एक सवाल मेरा बीजेपी से है आतियाब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा इंट्यूशन मुझे हो रहा है कि ये खेला बहुत पहले हो गया था लेकिन इसे खोला ऐसे टाइम पे गया कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ना बचे। बेशक बेशक, मैं ये सवाल सीधे आपसे ले रहा हूं। सर, रोहित जी का सवाल है कि ये कह रहा है कि ऐसा स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि खेला तो पहले हो गया था, इस बम को बाद में फोड़ा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह का सोचना कि वो इस तरह की बेईमानी करेगा, मैं नहीं सोचता हूँ, ये ठीक है। ये बात सही है कि उनको सिर्फ दो तीन बातें और सामने आई है। एक तो जो मैंने आपको बताई वो प्रमुख कारण है जी, कि जिस आधार पे वो सोच रहे थे कि अल्पसंख्यक जैन मत के आधार पे में इंदौर में 50-60 हजार जी, मतलब यूज लाखों वोट है और 50-60 हजार वोटों का अंतर पैदा कर लूंगा, एक सम्मानजनक हार उनको मिलेगी, ऐसा उनका विचार था। सर, आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, ठीक है, मैं जरूर सर, क्यों बेचैनी, ये जो पलायन जो है वो क्यों नजर आने लगा? यानी पलायन, एक तो कुछ लोगों ने अपने कारण बताए कि भाई सनातन के, ठीक है। आतियाब, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, आपका शुक्रिया। ये अब क्लियर है कि बीजेपी का रास्ता इंदौर से अब लगभग लगभग पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि मेजर जो फाइट थी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही थी। कांग्रेस के कैंडिडेट हट गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, तो इंदौर से शंकर लालवानी के लिए राह अब काफ़ी हद तक आसान हो गई। इधर